हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही खूबसूरत मोती और ऊन को मिलाकर भगवान जी के लिए माला तैयार करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको तीन तरह का माला बनाना बताऊंगी, जिसे आप कम समय में आसानी से बना सकते हैं। और इस माले में ऊन का जो कलर है, मोती का साइज़, माला का साइज़ आप अपने पसंद के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। जितना बड़ा या छोटा भगवान जी का फोटो या मूर्ति है, तो उसी के हिसाब से आप माला तैयार कर सकते हैं। दो माला में मैंने गुलाब फूल लगाया है और एक माले में छोटे साइज़ का पॉम्पम तैयार करके उसे लगाया है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। सबसे पहले हम गुलाब के फूल वाला माला तैयार करेंगे। इसके लिए हम अपने पसंद के कलर के ऊन को लेकर गुलाब का फूल और पत्ता इस तरीके से तैयार करेंगे। और इसका जो वीडियो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी, ताकि आपको आसानी से मिल जाए और आप इसे बना सकें। जितना बड़ा आपको माला तैयार करना है, उसी के हिसाब से पहले हम गुलाब फूल को इस तरीके से रख कर देख लेंगे कि कौन सा कलर का गुलाब फूल कहाँ जाएगा। मैंने माले में तीन पत्ता भी लगाया है। अगर आपको बिना पत्ता का बनाना है, तो वैसे भी आप तैयार कर सकते हैं। और डोरी के लिए मैंने यहाँ पर साटन फीता लिया है। अगर आपके पास साटन फीता नहीं है, तो आप ऊन से तैयार कर सकते हैं या फिर मोती से भी आप तैयार कर सकते हैं। जितना लंबा आपको डोरी रखना है, उतना लंबा आप साटन फीता को इस तरीके से कट कर लीजिए। और माला और भी ज़्यादा सुंदर लगे, तो इसके लिए मैंने गुलाब फूल के बीच में इस तरीके से बड़े साइज़ का मोती लगाया है। अगर आपके पास नहीं है, तो इसके बिना भी आप तैयार कर सकते हैं। और बस इसे अब हमें सुई की मदद से जोड़ते जाना है। धीरे धीरे करते हुए हमें इस तरीके से गुलाब फूल, पत्ता और मोती सभी को जोड़ते जाना है। बीच का गुलाब फूल, पत्ता और मोती जो है, अच्छे से जुड़ गया है। अब हम एक साइड से इस तरीके से गुलाब फूल को उठाते जाएंगे और हम इसे बराबर करते हुए सुई की मदद से इसे हम जोड़ते जाएंगे। और मैंने दो गुलाब फूल के बीच में दूरी नहीं रखा है, इसे जितना हो सके हम इस तरीके से सटाते हुए जोड़ते जाएंगे। तो ये हमारा, ये देखिए, एक लाइन जो है इधर का तैयार हो गया। दूसरे तरफ भी हम इसी तरीके से जोड़ना है हमें। पूरा जोड़ने के बाद एक तो गुलाब फूल जो है बीच बीच में थोड़ा पलट भी जाता है, तो इसमें कोई बात नहीं है। जब हम भगवान जी का तस्वीर या फिर मूर्ति में जब हम ये माला पहनाएंगे, तब हम गुलाब फूल को सीधा करके सेट कर देंगे। जिस तरीके से हमने इधर जोड़ा है, उधर भी इसी तरीके से हम जोड़ लेंगे। तो बीचों बीच यहाँ पर हम ऊन को लगा देंगे और फिर हम जोड़ना शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स, जिस सुई से मैं माले को जोड़ रही हूँ, यह सुई जो है ऊन के लिए मिलता है। यह थोड़ा सा मोटा होता है और इसका जो पॉइंट है वो नुकीला नहीं होता है, तो हाथ में यह नहीं लगता है। यह आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। तो बस इसे हमें इसी तरीके से जोड़ते जाना है। मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही खूबसूरत गुलाब फूल वाला माला तैयार हो गया। आप भी यह माला एक बार ज़रूर बनाइएगा, ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और अब हम दूसरा माला तैयार करेंगे। इस माले में मैंने दो गुलाब फूल के बीच में तीन लाइन का इस तरीके से मोती लगाया है। और दो फूल के बीच में कितना लंबा आपको मोती रखना है वो आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। और साथ ही इसका जो डोरी है आप साटन फीता से बना सकते हैं, ऊन से, या फिर आप मोती से भी तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको मोती से तैयार करके दिखाऊंगी। और मैंने जो माला है वो एक ही कलर से तैयार किया है। आप चाहे तो बीच में इस तरीके से दूसरे कलर का फूल जो आप लगा करके भी तैयार कर सकते हैं। नीचे वाले गुलाब फूल में मैंने इस तरीके से पत्ता जोड़ दिया है। आप चाहे तो पूरे गुलाब फूल में भी पत्ता लगा सकते हैं, या फिर बिना पत्ते का भी आप तैयार कर सकते हैं। एक तरफ मैंने सुई और ऊन की मदद से इस तरीके से जोड़ लिया है। और इसे कैसे जोड़ना है मैं आपको दूसरी तरफ बना करके दिखा देती हूँ। ऊन को हम यहाँ बीचों बीच पहले अच्छे से जोड़ लेंगे, और इसके बाद हमें जितना दूरी रखना है उसी के हिसाब से हम इसमें मोती को डालेंगे। मोती डालने के बाद इसे हम इस तरीके से बराबर करते हुए दूसरे फूल में जोड़ देंगे। आप चाहे तो एक साथ ऊपर तक भी जोड़ सकते हैं, पर मैंने पहले दो फूल को तैयार किया है, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ को तैयार किया है। तो फिर से हम इसमें मोती लगाएंगे जितना हमने पहले लाइन में लगाया था। और इसके बाद इसे हम फिर से नीचे की तरफ हम बीचों बीच इसे जोड़ देंगे, और एक लाइन और हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। इसे हम धीरे से इस तरीके से बराबर खींच लेंगे ताकि ये अच्छे से बराबर हो जाए। और जिस तरीके से हमने यहाँ पर जोड़ा है ठीक वैसे ही हमें ऊपर भी जोड़ना है। मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। ये हमारा मोती जो है अच्छे से जुड़ गया है। और एक तरफ मैंने जितना लंबा डोरी रखना है उसी के हिसाब से मोती उसमें डाल दिया है। और दूसरे फूल में इसे हम इस तरीके से जोड़ देंगे। फ्रेंड्स, मोती का जो साइज़ है वो आप अपने पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं। बीच बीच में आप बड़ा साइज़ का भी मोती लगा सकते हैं, या फिर आप गोल्डन कलर का मोती भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा माला जो है तैयार हो गया है। आप चाहे तो माले को इसी तरीके से आप बना सकते हैं, या फिर नीचे जो मैंने पत्ता वाला गुलाब फूल बनाया है उसके नीचे आप झालर भी लगा सकते हैं। और ये झालर कैसे तैयार करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। नीचे झालर के लिए मैंने इस तरीके से लंबे साइज़ का मोती लिया है, और गोल साइज़ का मोती को मिलाकर हम झालर तैयार करेंगे। तो पीछे की तरफ हम बीचों बीच यहाँ पर ऊन को जोड़ेंगे, और इसके बाद जितना लंबा हमें झालर तैयार करना है उसी के हिसाब से हम मोती को डालेंगे। मैं आपको तीनों झालर जो है बना करके दिखाती हूँ।
हमारा बहुत ही खूबसूरत गुलाब फूल और मोती वाला माला तैयार हो गया। आप भी यह माला एक बार जरूर बनाइएगा। इसे बनाने में टाइम भी कम लगता है और यह देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, आप गुलाब फूल की जगह इस तरीके से फूल बना करके भी माला तैयार कर सकते हैं और मोती की जगह आप क्रूसिया का चैन बना करके भी आप माला तैयार कर सकते हैं। और आपको अगर यह फूल बनाना है तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस फूल को जोड़कर माला तैयार करके बताऊंगी। तीसरे माले को मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है, इसमें क्रूशिया का ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने पसंद के हिसाब से ऊन लीजिए और फिर छोटे या बड़े साइज़ का पॉम्पम तैयार कीजिए और इसके बाद आप बीच बीच में मोती डालकर बड़ा या छोटे साइज़ का माला तैयार कर लीजिए। और यह पॉम्पम कैसे बनाया जाता है, इसका वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, साथ ही कमेंट में पिन करके भी लिख दूंगी, ताकि आप आसानी से ढूंढ सके और इस माले को आप तैयार कर सके। फ्रेंड्स, हमारा भगवान जी के लिए सुंदर सा माला तैयार हो गया। आशा करती हूँ कि आपको मेरा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। आप भी यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइए और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।